रासायनिक खेती कहते हैं कि रासायनिक खाद काम में लेने के लिए, परंपरागत खेती यानी जो हम परंपरा से करते आ रहे हैं, बरसों से सदियों से करते आ रहे हैं, हमारा अपना बीज रखते हैं और उसको करते हैं। हम भले नया बीज ले लें परंतु फसल के लालच में हम ज़मीन ख़राब नहीं करें और रासायनिक खाद काम में नहीं लें। जो गोबर की खाद है, देसी खाद है, वो काम में लें और देसी उपाय से ही खेती करें तो ज़्यादा प्रभावी है। बनस्पत की वो जो खरपतवार रोकने के लिए केमिकल काम में लें और दूसरे जो है उपाय काम में लें, इससे अच्छा है कि हम राख, नीम के पत्ते आदि परंपरागत उपायों को करें और हम अपनी ज़मीन को भी बचाएं, फसल को भी नुकसान से बचाएं और शरीर को भी, मानव शरीर को रसायन जो नुकसान पहुँचाते हैं उनसे भी बचें, जीवन को सुरक्षित रखें। हम यदि खेती अच्छी है, हमारी ज़मीन अच्छी है तो हमारे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा, और नहीं तो 8-10 वर्ष में खेती ज़मीन बंजर हो जाएगी, फिर आपको वापस से उसका ट्रीटमेंट उपचार कराना पड़ेगा और वो असंभव है हर जगह। इसलिए आप ध्यान रखें कि अपनी परंपरागत खेती बाड़ी में करें ताकि कहीं जो है आपको नुकसान नहीं पहुँचे।